हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका बायोवेदिक्स में। और मैं राजेश कुमार आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। और आज का टॉपिक है किंगडम फंजाई। और आप जानते हैं कि जो चैप्टर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये उसी में ही अगला टॉपिक है। इसके बाद वायरस का सेक्शन रहता है, जो मैं आपको अलग से नया वीडियो बना करके दूंगा। और आइए शुरू करते हैं फंजाई को। तो स्टूडेंट्स, जो फंजाई है वो एक यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफ्स है, और दे शो द ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यानी मॉर्फोलॉजिकली और हैबिटेट वाइज ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्ट्रक्चर के एग्जिस्ट होते हैं। और बच्चों, जो फंजाई हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हेटरोट्रॉफिक हैं एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स। तो बच्चों, सेप्रोफाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर बढ़िया तरीके से मजे से लगातार ग्रो करते रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट है बच्चों। फिर फंजाई कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सेप्रोफाइट के साथ साथ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी तो एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट पर भी एग्जिस्ट करते हैं, एनिमल पर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो फंजाई जो प्लांट और एनिमल पर एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें पैरासिटिक फंजाई कहते हैं, पैरासिटिक फंगस कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, फंजाई जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी एग्जिस्ट करती है। यानी फंजाई कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोंट्स, लाइक ये अदर ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप भी शो करती है, और एक बढ़िया तरीके का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करती है। हमारे पास इसके खूब एग्जाम्पल हैं, और इसका सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों, वो आप जानते हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा, और वो एग्जाम्पल है लाइकेंस। लाइकेंस जो म्यूचुअल एसोसिएशन है फंजाई का, वो एल्गी के साथ है, और एक और एसोसिएशन है हायर प्लांट के साथ, वो रूट में एसोसिएटेड होती हैं फंजाई। और इस तरह का रिलेशनशिप जो है उसे कहते हैं माइकोराइजा। माइको मीन्स फंगल पार्टनर, और राइजा मीन्स रूट। रूट किसकी? हायर प्लांट की। और इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, पाइनस, आप याद रखिएगा। फिर बच्चों, रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों होते हैं। और यहाँ पर हम वेजिटेटिव मीन्स की बात करें तो वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, तीनों प्रोसेस एग्जिस्ट होते हैं इस फंजाई के किंगडम में। तो फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं कि टूट जाए तो नया बन जाए, फिजन मीन्स वन से टू बनना, बडिंग आपने खूब पढ़ा है क्लास में, दूसरे चैप्टर में। तो बच्चों, एसेक्सुअल मीन्स की बात करें तो यहाँ पर स्पेशल टाइप के स्पोर्स होते हैं, जैसे कोनिडिया कहलाते हैं, फिर स्पोरेंजियो स्पोर्स हैं, फिर जू स्पोर्स हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं, ये एसेक्सुअल स्पोर्स कहलाते हैं, यानी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह का जो मीन्स है रिप्रोडक्शन का, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। फिर सेक्सुअल मीन्स की बात करें तो बच्चों, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं ये ऊ स्पोर से, एस्को स्पोर से और बेसिडियो स्पोर से। तो ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इनकी डेफिनेशंस कैरी कीजिएगा, और ये आपके जिम्मे हैं, और ये एक एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती हैं, आप ध्यान रखिएगा। फिर बच्चों, यहाँ फंजाई की बात करें तो फंजाई को चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। और आप देख पा रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं बच्चे। इनके एग्जाम्पल लिखे हैं, ये स्क्रीन शॉट खींचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज से। तो एक्वेटिक हैं पहली बात, फिर डिकेइंग मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस पर एग्जिस्ट करती हैं, पाई जाती हैं। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है प्लांट के ऊपर, और माइसिलियम जो है बच्चों इनका, वो एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है। जब एसेप्टेट होता है तो माइसिलियम सिनोसिटिक कहलाता है ऑटोमेटिकली, आप डिटेल देखिएगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, वो इसमें जू स्पोर से होता है, जू स्पोर्स मोटाइल हैं, और दूसरा स्पोर है जिसे कहते हैं ए प्लेनोस्पोर से होगा, और ये ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। आपने खूब देखा है इनके एग्जांपल को, म्यूकर राइजोपस एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, फिर ब्रेड के ऊपर होते हैं, फिर ये क्रूसीफर्स के ऊपर होती है पैरासिटिक फंगस, इसका नाम एल्ब्यूगो है, तो ये मस्टर्ड की लीफ थी।
तो फिर अगली क्लास पे जाते हैं। ये है बच्चों एस्कोमाइसिटीज, और एस्कोमाइसिटीज का नाम मैंने पहले ही बताया आपको, इन्हें सैक फंजाई भी कहते हैं। तो इनकी डिटेल देखते हैं, तो पहली बात तो लिखा ही है कि सैक फंजाई हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, कभी कभार यूनिसेलुलर भी होती हैं, यानी इसमें मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों के एग्जाम्पल हैं। यूनिसेलुलर का ईस्ट है बच्चों, सेप्रोफाइट होती हैं, डीकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक हैं, और कॉर्पोफिलस हैं, यानी ये डंग पर ग्रो करती हैं, यानी जो गोबर होता है उसके ऊपर ग्रो करने वाली जो फंजाई है वो हमेशा ये वाली होती है। फिर इनका माइसिलियम ब्रांच्ड है बच्चों और सेप्टेट है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो एनसीईआरटी में डिफाइंड है, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। फिर अगली क्लास की बात करें बेसिडियोमाइसिटीज की, और बेसिडियोमाइसिटीज जो हैं बच्चों, इनके जो कॉमन फॉर्म है, ये आप सब इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सब ने खूब खाया है मशरूम। तो मशरूम जो आते हैं बच्चों वो बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, पिक्चर देख पा रहे होंगे। फिर आपने ब्रैकेट फंजाई ये भी खूब देखी होगी, जंगलों में कहीं पेड़ के किनारे पे लगे रहते हैं। फिर पफ बॉल्स हैं, ये नहीं देखी होगी, ये हमारे तरफ नहीं पाई जाती, ये साउथ में पाए जाते हैं पफ बॉल्स। और ये जो फंजाई हैं बेसिडियोमाइसिटीज बच्चों, ये सॉयल में ग्रो होते हैं, या जो वुडन पार्ट होते हैं प्लांट के उनमें ग्रो होते हैं, ट्री स्टम्स में ग्रो होते हैं, और लिविंग प्लांट बॉडी में भी एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन जब लिविंग प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं तो ये एज ए पैरासाइट एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, यानी पैरासिटिक फंगस का एक एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटीज में। और जब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ये बच्चों रस्ट और इस्मट दो तरह के डिजीज कॉज करते हैं, यानी पाउडरी डिजीज रस्ट है, और जो चिपक जाता है पाउडर उसे इस्मट कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, पहली वाला जो डायग्राम है वो वीट की लीफ है, दूसरे वाली लीफ क्रूसीफर की है, दोनों पे रस्ट डिजीज कॉज कर रखी है इन्होंने। और जो तीसरे नंबर पर ये वुडन पीस है, और वुडन पीस पर इन्होंने इस्मट कॉज किया हुआ है, यानी चिपका हुआ है कोई पाउडर फंगस का। तो इनमें माइसिलियम जो है बच्चों ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, और सम कॉमन मेंबर्स जो हैं इस क्लास के, उसमें पहले नंबर पर तो है बच्चों अगैरिकस। अगैरिकस आपने देखा है मशरूम के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा मशरूम से ज़्यादा डिफाइंड होता है, ज़्यादा शार्प होता है। फिर अस्टेलेगो स्मट है, जो मैंने अभी आपको वुडन पे दिखाया था, अब ये यहाँ भुट्टा पे लगा है। और फिर ये लीफ है वीट की, पक्सीनिया डिजीज़ कॉज कर रहा है इस पर, इस डिजीज़ को पक्सीनिया रस्ट डिजीज़ भी कहते हैं, रस्ट फंगस कहलाता है ये अपने आप में। और फिर बच्चों अगली क्लास आ गई यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज, मैंने पहले ही बताया ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई इम्परफेक्टाई? क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन की तीनों फेज नहीं होती। कौन सी होती हैं? एसेक्सुअल फेज होती है और वेजिटेटिव फेज होती है। सेक्सुअल फेज कभी नहीं पाई जाती ड्यूटेरोमाइसिटीज में, इसी वजह से इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। और अगर किसी मेंबर में सेक्सुअल फेज डिस्कवर हो जाए, देखिए यहाँ लिखा है कि व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड तो देवर मूव्ड, तो उन्हें वहाँ भेज दिया जाता है दूसरे मेंबर में जिसमें वो बिलोंग करते होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं पाया जाएगा, अगर पाया जाएगा तो वो मेंबर वहाँ से डिसलोकेट हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। फिर बच्चों सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, तो कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। वाइल द लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स, तो जो अधिकतर संख्या है वो तो डीकम्पोजर्स की है, और ये डीकम्पोजर्स जो हैं मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करते हैं, मिनरल साइकिलिंग को कैरी आउट कराते हैं पूरी तरह से। फिर इसके कुछ मेंबर्स हैं या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ऑल्टरनेरिया है, ऑल्टरनेरिया सोलेनाई बोलते हैं, ये क्रूसीफर की लीव्स पे आती है। फिर बीन्स पे आने वाली एक और फंगस है कॉलिटोट्राइकम बच्चों। फिर एक और फंगस है ट्राइकोडर्मा, जनरली ये एनिमल्स में स्किन डिजीज कॉज करती है, ह्यूमन में भी करती है। और फिर इस कंटेंट का लास्ट सेक्शन है बच्चों लाइकेंस, मैंने पहले ही बताया सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी का, यानी एल्गी और फंजाई इतने शानदार तरीके से एक साथ सिम्बायोटिकली एग्जिस्ट करते हैं कि इसे कहते हैं कि ये दो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे
तो आपको दूर से ऐसा लगेगा या ऊपर से ऐसा लगेगा कि ये तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, यानी इतना अच्छा इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर एल्गी और फंजाई का। तो मैंने पहले ही बताया कि एल्गी और फंजाई जो हैं वो लाइकेंस बन जाते हैं अपने आप में जब एसोसिएट होते हैं। इसमें एल्गोल कंपोनेंट जो है बच्चों फाइकोबायोंट कहलाता है, और फंगल कंपोनेंट जो है वो माइकोबायोंट कहलाता है। और जो फाइकोबायोंट है वो ऑटोट्रॉपिक है, ऑब्वियस सी बात है एल्गी है तो ऑटोट्रॉपी होगा, और माइकोबायोंट हेटरोट्रॉपिक है, और ये भी ऑब्वियस है कि अगर फंजाई है तो वो हेटरोट्रॉपी होगा। फिर एल्गी जो है वो प्रिपेयर करती है फूड फंजाई के लिए, अपने पार्टनर के लिए, और फंजाई क्या करता है उसे शेल्टर प्रोवाइड कराता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर प्रोवाइड कराता है अपने एल्गल पार्टनर को। ये और पिक्स हैं यहाँ पर, आप देखिएगा एल्गी लाइकेंस जब आप देखते हैं तो लाइकेंस को देखना अपने आप में एक एक शानदार एक्सपीरियंस होता है बच्चों। जब आप देखते हैं कि ये एल्गी और फंजाई दो का इस तरह का एसोसिएशन है कि जो कभी आप मॉनिटर कर ही नहीं पाएंगे, आपको माइक्रोस्कोप लेना ही पड़ेगा। बढ़िया इंटीग्रेशन है। और लास्ट में मैं बताऊं आपको कि लाइकेंस जो है वो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी जहां पॉल्यूशन नहीं होता वहां पर लाइकेंस एग्जिस्ट करते हैं। ये लिखा आ गया कि दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट कंटेंट था फंजाई का, ध्यान से पढ़िएगा और रिवाइज कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को बायोवेदिक्स।